गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी केयर के लॉयल्टी प्लान के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस अपडेट के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो मोदी केयर की तरफ से, मोदी केयर कंपनी की तरफ से जो लिस्ट आई हुई है, उसमें जो मोदी केयर का जो कूपन रिडीम होना होता है, उसमें जो है लमसम 25% लोगों ने अभी जो है अपना कूपन ही रिडीम नहीं करवाया हुआ है। दोस्तों ऐसे में क्या है कि मोदी केयर का जो कूपन रिडीम होने वाला है दोस्तों, उसकी जो लास्ट डेट है वो केवल 28 तारीख तक है। 28 तारीख के बाद जो है वो कूपन रिडीम नहीं होगा और उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो मोदी केयर के जिन लोगों की पहले से लॉयल्टी चल रही थी, उनका जो लॉयल्टी कूपन रिडीम होने वाला है उनका कैसे रिडीम होगा, और जो मोदी केयर में नई लॉयल्टी कर रहे हैं, जिन्होंने नया लॉयल्टी शुरू किया है, उनका जो है कूपन कैसे रिडीम होगा, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि अगर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो मोदी केयर में नए लोग हैं, जिन्होंने मोदी केयर की लॉयल्टी नई शुरू की है इसी मंथ से, उनका कैसे लॉयल्टी कूपन रिडीम होगा। अब दोस्तों जिन लोगों ने अप्रैल महीने से अपनी लॉयल्टी चालू की है, स्टार्ट की है, उन लोगों का जो है अगर 330 PV का उन्होंने पिछले महीने बिल कराया था, उनको जो है यहाँ से 200 रुपये का कूपन मिलेगा, और जिन्होंने 60 PV किया था उनको जो है 600 रुपये का कूपन मिला हुआ है। अब दोस्तों ये कूपन जो है आपको 28 तारीख तक रिडीम करवाना है। अगर आप 28 तारीख तक रिडीम नहीं करवाते तो आपका जो है वो कूपन लैप्स हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, 28 तारीख के बाद आप वो कूपन नहीं ले सकते। दोस्तों पहले के प्लान में क्या हुआ करता था कि आपका जो जितना भी आप सामान लेते थे उसका एवरेज बना करता था और 6 महीने बाद आपको फ्री सामान मिला करता था, लेकिन अब जो है मोदी केयर का प्लान जो है चेंज हो चुका है, मोदी केयर का लॉयल्टी प्लान भी चेंज हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपको हर महीने जो है आपका कूपन मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख तक रिडीम कराने की है। तो अब जो बात करते हैं कि जो जिनकी लॉयल्टी पहले से चल रही थी, आखिर वो अपना लॉयल्टी कैसे रिडीम कर सकते हैं, लॉयल्टी कूपन कैसे रिडीम कर सकते हैं। अब दोस्तों जिन लोगों की पहले से लॉयल्टी चल रही थी, उनको जो है अपना लॉयल्टी का जो कूपन है उसको रिडीम करने के लिए, मतलब वो भी जो है अपना लॉयल्टी कूपन हर महीने रिडीम करेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए उन्होंने अप्रैल महीने में 60 PV का बिल कराया था, तो उनका भी जो है इस महीने 600 रुपये का कूपन बना हुआ है। अगर वो 600 रुपये का कूपन नहीं रिडीम करते तो उनका भी वो 600 रुपये का कूपन लैप्स हो जाएगा। अब दोस्तों पहले क्या होता था कि 6 महीने का एक एवरेज निकाला के जाता था, और अब के प्लान में भी जिन लोगों की पुरानी लॉयल्टी चल रही थी उनका भी एक जो है एवरेज ही निकाला जाएगा, लेकिन उसमें से आपका जो हर महीने जितना भी कूपन मिल रहा है वो 6 महीने की एवरेज के साथ वो माइनस हो जाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने जो है 3000 का सामान मोदी केयर से ले रहे हो, ठीक है, और हर महीने आप अप्रैल महीने से आपका जो है 60 PV आप कर रहे हो, और हर महीने आपको 3 महीने आपने जो है पहले वाली लॉयल्टी में काम किया, और उसके बाद जो है 3 महीने अप्रैल से जो है आपने 3 महीना करके इस नए लॉयल्टी प्लान के अंदर आपने बिल करवाया। अब जैसे अप्रैल से जो है आपको नए प्लान के अकॉर्डिंग हर महीने 600 रुपये का सामान मिल जाएगा, अब टोटल मिला के 3 महीने में आपको जो है 1800 रुपये का सामान मिल जाता है, और मान लीजिए 6 महीने बाद आपका जो एवरेज बनता है वो 3000 रुपये का बनता है लॉयल्टी कूपन का। अब इस ऐसे में क्या होगा कि जो आपका जो 3 महीने का अप्रैल मई जून का जो 3 महीने का जो आपका कूपन बना हुआ है 600 का, मतलब 1800 रुपये का कूपन जो बना हुआ है, वो आपका जो है तीन जो एवरेज निकला है 3 महीने का, उसके साथ उसको माइनस करके आपको जितने का भी अमाउंट आपका बचता है केवल उतना ही पैसा, उतने का ही आपको बिल का सामान मिलेगा। मतलब दोस्तों अगर आपकी पुरानी लॉयल्टी भी चल रही है फिर भी आपको जो है हर महीने, जी हाँ दोस्तों हर महीने आपको अपना कूपन रिडीम कराना ही कराना है, नहीं तो आपका जो कूपन है वो लैप्स हो जाएगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, और 6 महीने बाद उसको भी आपके जो जितना भी आपका टोटल अमाउंट होगा उसमें से आपका माइनस हो जाएगा, चाहे आपने रिडीम कराया हो चाहे ना कराया हो। इसलिए अगर आप का अभी कूपन आपने रिडीम नहीं कराया तो सभी लोग जो है अपना कूपन रिडीम करा लें, नहीं तो उसकी कोई भी वैल्यू 28 तारीख के बाद नहीं रह जाएगी।
तो दोस्तों ये था आज का जो मोदी केयर का जो अपडेट है, जो एक लिस्ट आई है उसमें 25% लमसम 25% लोगों ने अभी तक अपना कूपन रिडीम नहीं कराया। अगर आपने भी अपना कूपन रिडीम नहीं कराया तो आप भी अपना कूपन रिडीम करा लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही मोदी केयर में आने वाले नए प्रोडक्टों की जानकारी, नए अपडेट्स की जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।